सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्यों आपकी टैबलेट लैग करने लगती है अपडेट के बाद में, और क्या आपको अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसका क्या सोल्यूशन है कि आपकी टैबलेट वगैरह लैग ना करने लगे, काफी स्मूथ तरीके से वर्क करे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली होता क्या है ना कि आपको अपडेट तो अपनी टैबलेट हर हाल में करनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे होता क्या है कि आपकी जो सिक्योरिटी पैचेस वगैरह होते हैं जो आपको लेटेस्ट वाले पे अपडेट हो जाते हैं, तो ये काफी बढ़िया चीज है। आपकी टैबलेट की जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो बनी रहती है, आपका डाटा ब्रीच होने की जो चांसेस है काफी कम हो जाते हैं। साथ में दोस्तों आपकी टैबलेट में आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो और आपका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज वगैरह कंपनीज करती रहती है। तो अपडेट तो आपको चाहे टैबलेट का सॉफ्टवेयर हो या फिर आपकी फोन की सॉफ्टवेयर हो या फिर आपके ऑफिशियल अपडेट जो बेसिकली होती है, तो वो सब आपको अपडेट रेगुलरली करते रहना चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है आपकी टैबलेट अगर लैग करने लगे अपडेट के बाद। तो दोस्तों हाल ही में मेरे साथ हुआ, क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि इसका क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी टैबलेट जैसी अपडेट हो, फॉर एग्जांपल आपकी टैबलेट अपडेट हो रही है, ऑटोमेटिकली अपडेट मोड में चली गई है, वो अपने आप अपडेट होने लगती है 100% होने के बाद जो लॉक स्क्रीन पर आती है, तो ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट तक अपनी टैबलेट में कुछ यूज नहीं करना है, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं, उसको ऐसे रखे रहने देना, उसके बाद आप उसको यूज करें। और यूज करने के बाद मैं आपको सबसे पहले आपको दो स्टेप्स बताने वाला हूं कि ये आपको जरूरी करने चाहिए जैसे ही आपकी टैबलेट अपडेट हो। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने अपनी हाल ही की एक वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स की वहां पर एक सॉफ्टवेयर आपको बताया था जिसका नाम है ड्राइव, तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी टैबलेट में बेसिकली सॉफ्टवेयर को रखिएगा क्योंकि वो काफी यूजफुल सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों उसमें आपको ड्राइव को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप उसमें एक ऐप कैशे करके ऑप्शन होता है वहां पर क्लिक कर दीजिए। वहां से क्या होगा कि आपके जितने भी ऐप के पुराने कैशे हैं वो सारे क्लीन हो जाएंगे। उसको क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी टैबलेट को नॉर्मल आपको मिनिमाइज कर लेना है और अपनी टैबलेट का पावर वाला बटन जो है उसको प्रेस करना है। जैसे आप पावर वाले बटन को प्रेस करेंगे वहां पर आपको पावर रिबूट इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको रिबूट नहीं करना है, आपको सिंपल सा पावर ऑफ करना है। जैसे आप पावर ऑफ करेंगे आपकी टैबलेट पावर ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद आपको सिंपली अपना पावर ऑन कर लेना है और आप देखेंगे कि आपकी टैबलेट फिर से स्मूथ तरीके से चलने लगेगी। तो दोस्तों यही चीज आपको 2-3 स्टेप्स हैं बेसिक से जो आपको करने हैं, तो उसके बाद आपकी टैबलेट बिल्कुल भी लैग नहीं करेगी। ये मेरा बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, मैंने मेरी टैबलेट में खुद इस टाइप से लैग की प्रॉब्लम आने लगी थी, तो फिर मैंने जब प्रॉब्लम है तो कुछ सोल्यूशन होगा तो मैंने इसको ट्राई करके देखा और ये काफी अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो अगर आपकी टैबलेट भी लैग करती है अपडेट के बाद, आप भी अपडेट करने से डरते हैं, अपनी टैबलेट लिनोवो की हो या फिर सैमसंग की हो, तो आप सिंपल सा आप अपडेट कर लीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। सेम ट्रिक जो ट्रिक है आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका फोन अपडेट के बाद लैग वगैरह करता है तो आप ये ट्रिक यूज कीजिए, आप काफी आराम से आपका फोन वगैरह टैबलेट वगैरह नॉर्मली वर्क करने लगेगी। तो ये हो गया दोस्तों सॉल्यूशन। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे ही आप अपनी टैबलेट को अपडेट करते हैं या फिर फोन को अपडेट करते हैं, दोस्तों जो बैकग्राउंड में काफी सारी सर्विसेज होती हैं यानी कि एप्लीकेशन में होती हैं वो सारी अपडेट होने लगती हैं, और कुछ आपके जो टैबलेट स्विच ऑफ होता है ना उस दौरान अपडेट हो जाती हैं, कुछ जैसे ही आप अपने टैबलेट ऑन करते हैं तो वहां पे जो सिस्टम एप्लीकेशन वगैरह है वो बेसिकली बैकग्राउंड में अपडेट होने लगती है, और जो आपके पुराने कैशे वगैरह हैं उनके कारण भी कभी कभी लैग वगैरह करने लगती है आपकी टैबलेट। तो अगर आप ये क्लीन कर लेंगे ना, ये कर लेंगे और उसको कुछ टाइम दे देंगे अपडेट के बाद, तो ओवरऑल जो आपकी टैबलेट है वो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगी और काफी बड़े तरीके से आप अपने टैबलेट को यूज कर पाएंगे। तो ये तो हो गया कारण, दोस्तों मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ऐसी आप अगर आप टैबलेट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के।